महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे गंगा द्वार। आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में क्या कुछ खास है। ये जो बोट चला रहे हैं इतना धुआं निकल रहा है ना, ये जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। इसको रोकने के लिए ही खिड़किया घाट पे व्यवस्था बनाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के ही वक्त हैं। ये देखिए गंगा का जल स्तर जो है कि बहुत ही कम हो चुका है फिलहाल में। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पहले तो ये लाइट देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल रॉकेट की तरह, कितनी ज़बरदस्त ये लाइटें। जब ये जलेंगी रात में, अभी तो ये बन रहा है, जब जलेंगी तो मैं रात का भी सीन आपको दिखाऊंगा इस चैनल पर। चलिए चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बिल्कुल समीप और वहां जाकर के देखते हैं कि क्या कुछ नज़ारे हैं और क्या अपडेट हुआ है। ये कुछ लोहे की पाइपें यहाँ पर रखी गई हैं और आप देखेंगे कि बाएँ साइड में पूरा यहाँ पर लोहे की पूरा सपोर्ट लगाया गया है और बिल्कुल काम चल रहा है यहाँ पर। इस कॉर्नर में एक साधु आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमेशा रामायण खोल करके बैठे रहते हैं, ये देखिए। चलिए आगे आप देख सकते हैं कि क्रेन खड़ी है और ये सीवेज पंपिंग स्टेशन। काफ़ी अद्भुत नज़ारे, ये जो सामने आपको दिख रहा होगा ना, ये पहले डूब गया था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी यानी गंगा का जो जल स्तर है वो बहुत ही कम हो चुका है। ये मजदूर लेकर के जाते हुए, यहाँ पर ये जो लाइट है ना, गजब की लग रही है। देख रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि रॉकेट लॉन्चर है। यहाँ पर देखिए ललित घाट लिखा हुआ है, ऊपर ऐतिहासिक पशुपति नेपाली मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, और ललित घाट के अभी आप नज़ारे देख रहे हैं। और जस्ट बगल में ही श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है। लोग गंगा में से स्नान करके आकर के यहाँ पर टीका चंदन करवाते हुए, अब इस कॉरिडोर को बन जाने से फ़ायदा हुआ है कि आप बोट से सीधे इस कॉरिडोर के पास आ सकते हैं। और यहाँ से दर्शन करना बिल्कुल आसान हो गया। आपके सामने गेट दिखाई दे रहा होगा गंगा द्वार, लेकिन उससे पहले ये लाइट देखिए, ये एक आकर्षण का केंद्र होने वाला है। जब ये जलेगा अद्भुत लगेगा, एकदम अद्भुत लगेगा। इसके ऊपर इतना ये हाइट है ना, इतना हाइट होने के बावजूद इसके ऊपर बताया जा रहा है, यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने बताया कि इसके ऊपर अभी झंडा लगाने का प्रोग्राम है। अब वो देखना, ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि झंडा किस प्रकार से लगता है, भगवा झंडा लगता है या भारत का जो तिरंगा है वो लगता है या महादेव का पताखा लहराता है या सभी चीज़ें लगती हैं। तो ये इतनी हाइट होने के बावजूद इसके ऊपर भी अभी ये जो झंडा लगेगा, देख रहे हैं ये जो लाइट है इसको ऊपर ले जा करके सेट किया गया है। काफ़ी अद्भुत, एकदम आसमान को चीरने को तैयार। उतना ऊंचा से जब ये लाइट जलेगी ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि दिन का सीन है कि रात का सीन है। बिल्कुल आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी थोड़ी देर में मैं अंदर लेकर के चलूँगा आपको और वहाँ दिखाऊँगा क्या कुछ अद्भुत अपडेट्स हैं। फिलहाल के लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो पत्थर बनाई गई हैं, ये सीढ़ियाँ, आज के कुछ साल पहले, एक दो साल पहले यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं होता था। बगल में ही मणिकंडिका घाट है जो कि अपने आप में विश्व प्रचलित है। यहाँ पर कुछ मालाएं बेचते हुए, और ये जो देख रहे हैं आप पत्थर पूरा सील पैक करके आया हुआ है, बोट के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है। जलासेन घाट और यहाँ पर बगल में गंगा द्वार। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। महादेव की कृपा से सारे चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से होते हुई, बिल्कुल काया पलट हो चुका है। यहाँ पर जितनी सकरी गलियाँ, इतनी पतली पतली गलियाँ हुआ करती थी, बनारस में दर्शन करने के लिए जाने के लिए बहुत ही मशक्क़त झेलना पड़ता था। जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो झेलना ही पड़ता था, खास करके जो लोकल हैं, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती थी दर्शन करने के लिए। अभी देखिए इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद कितना फैलाव हो चुका है, कितना स्पेस यहाँ पर है। और ये 5 लाइटें लगी हुई हैं जो रात को दिन में तब्दील कर देंगी। अद्भुत नज़ारा भी आपके नज़रों के सामने, जलासेन घाट बगल में, अब वो वक्त आ चुका है जब हम इस गेट से आपको अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर आपको प्रवेश कराएंगे। देखिए ये कितना अद्भुत नक्काशी यहाँ पर किया गया है और रेड कारपेट यहाँ पर लगाया गया है भक्तों के लिए। कुछ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, अभी सुबह का ही वक्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जय हो जय हो। ये देखिए कितना खूबसूरत गेट है। इस गेट से हम अंदर आ चुके हैं और अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, इसका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, लिखा हुआ है पी लो शुद्ध पानी। नाम रखने वाले ने गजब का नाम रखा है, पी लो, कितना आसान है। हर हर महादेव, रेड कारपेट लगा हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात ये हो जाती है ना, जब आप यहाँ पर कैमरा मीन्स फोन अपना लेकर के आ सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। इतनी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होगी, उसके बाद आप बिल्कुल महादेव के पास पहुँच ही जाएंगे। गोल्डन कलर का आपको टेम्पल दिखाई देगा। एक और गेट है उसके अंदर। ये जो मशीन है गुजरात से आई हुई है, आई थिंक गुजरात का यहाँ पर नेम प्लेट लगा हुआ था। चलते हैं थोड़ा और करीब। अभी देखिए सुबह का वक्त है तो यहाँ पर इतना भीड़ लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। सामने आप गोल्डन कलर का टेम्पल देख रहे होंगे, द्वार के ठीक बीचों बीच वही महादेव का मंदिर है, श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, गर्भगृह है। चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भारत माता का खूबसूरत टेम्पल। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर जब बात हुई चल रही थी ना कॉरिडोर बनाने की, लोग अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर देखिए बगल में लॉकर है, बाएं साइड अपनी मोबाइल फ़ोन और अपना सारा चीज़ यहाँ पर जमा कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन आप इससे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, बस वहीं तक आप अपने कैमरा और अपने मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, उससे ज़्यादा दूर आप लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बाकायदा चेक किया जाएगा आपके पॉकेट को और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। बिल्कुल अद्भुत नज़ारा, और कुछ ही क्षण में आपके सामने महादेव का टेम्पल होगा, श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर आपके सामने होगा कुछ ही पल में। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब आप अपने सामने देख सकते हैं। एक बार बनारसी अंदाज में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये सामने आपके गोल्डन कलर का जो टेम्पल है, यही श्री काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है। और इसके अंदर, इसके आगे हम फोन नहीं लेके जा सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा प्यारा सा अद्भुत गेट। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी की वीडियो के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। हर हर महादेव।